गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं अमित फ्रॉम एक्सेल कंप्यूटर्स. तुम्हारी शर्ट पे लिखा है तुम कहाँ से आए हो. सर आपकी कोई कंप्लेंट थी. कंप्लेंट मेरा नहीं, कंप्यूटर का था. आओ. थैंक यू सर. सर यू हैव अ ब्यूटीफुल होम सर. क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं. क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है. नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम तो इस कंप्यूटर में. डोंट, उस चेयर पर मत बैठो. बैठना तो उस स्टूल पे बैठो. आई एम सो सॉरी सर. मैं रियली सॉरी सर. सर इसमें कुछ और वक्त लग जाएगा. इनकेस अगर कुछ और काम कर रहे थे आप तो यू कैन प्लीज कंटिन्यू. तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ. तुम अपने काम पर ध्यान दो. सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरा ध्यान बार बार आप पे जा रहा है सर. इफ यू डोंट माइंड प्लीज आप बैठ सकते हैं. थैंक यू सर. खराटे ले रहे, बाहर से कोई आए तो दरवाजा मुझे खोलना पड़ता है. कोई आया है क्या? पानी ले जाओ. चाय मैं बना देता. तुम पानी ले जाओ. सब देखो तब खींचते रहता बुढ़ा. थैंक यू. बहुत तुनक मिजाज है बुढ़ा. मास्टरी की आदत अभी तक नहीं गई. और ये पानी का आइडिया किसका था? आपका क्यों उनका? वो ही भेजे. इसका मतलब तो उनका मिजाज ठीक ही हुआ ना. इंजीनियर हो ना, हमारा मोबाइल अटक जाता है बीच में. जरा इसको देख लीजिए. आप काहे को ले आए? चलो चलो तुम अपना गाना सुनो. जाओ. जब देखो तो दिमाग चढ़ा ही रहता है. सर मैंने आपका कंप्यूटर थरली एग्जामिन किया सर. उसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड दोनों ही खराब हो चुकी है सर. सिर्फ दो पार्ट्स ही तो खराब हुए हैं. इस जमाने में आदमी के पार्ट्स बदले जा सकते हैं, तो इस कंप्यूटर के क्यों नहीं बदले जा सकते? सर मगर मरे हुए आदमी के तो पार्ट्स नहीं बदले जा सकते. तो मुझे जरूरत से ज्यादा ही समझदार दिखते हो. पर हूं नहीं सर. अब क्या किया जा सकता है? सर मैं कंपनी में जाके पता लगाता हूँ. I'm sure they'll find something. Thank you, sir.
सबसे बड़ा सच ये है कि एक दिन सबको जाना है, फिर भी सच को मानना कितना मुश्किल है। कल अचानक ये कंप्यूटर खराब हो गया तो मैं बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा एक दिन ये कंप्यूटर तो खराब होना ही था, फिर भी इतनी बेचैनी की वजह क्या थी। फिर मुझे लगा ये कंप्यूटर ऋषभ का था, उसके कीबोर्ड के जरिए जैसे मैं उसकी उंगलियों को छूता था, यादों में छुपे उसके बचपन को जीता था। रिश्ते दिल की धड़कन होते हैं, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है सुमित्रा। 50 साल का सफर और अचानक छोड़ के चली गई। फिर ऋषभ और उसकी बहू अब मीलों दूर अमेरिका में, उसका बेटा रिहन उसका मुंह तक नहीं देखा आज तक। तो समझ सकती हो, चाहती हुई भी उससे मिलना नहीं हो पाता। अब ये सफर मुझसे अकेले नहीं कटता, चलना उठता हूं कभी विशेष शर्त पर, कभी लोगों पर। सच तो यह है कि मैं खुद पर चिल्लाता हूं। हेलो ऋषभ, हाउ डू यू नो इट्स मी? क्योंकि अब किसी और का फोन नहीं आता। सुमित्रा जी, तो उसकी सहेलियों और चंद रिश्तेदारों का फोन आया करता था। अब इस फोन की घंटी तभी बजती जब तुम्हारा फोन आता है। डैड, एक्सेल कंप्यूटर से कोई आया था? हाँ, कह रहा था अभी ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं आपके लिए नया लैपटॉप, नया पीसी भेज देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई खास जरूरत नहीं। सच पूछो तो घर पे था इसलिए यूज कर रहा था, पर मैं आज भी कलम से लिखना पसंद करता हूं। डैड, अब बहुत सकती है। तुम्हारी मां भी ये कहा करती थी। डैड, हेलो। बाहर शब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम आ गए, सवेरे से पता नहीं किस बात पे खींचे हुए हैं सर। कौन है विशेषर? अरे वही जो कल आए थे ना कंप्यूटर वाले, वही हैं। तो दरवाजे पर क्यों रोक रखा है? देखा, हम कह रहे थे ना अकेले रहने में सबसे बड़ी बुराई यही है कि आदमी खुद अपने आप से बोर हो जाता है। आइए आइए, आप इधर आइए और वो हमारा मोबाइल जरूर देखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या कहा कंपनी वालों ने? सर, मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक ऑफर लेके आया, एक एक्सचेंज ऑफर। ऑफर क्या है? सर, मैं आपको इस पुराने वाले कंप्यूटर की जगह पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सर पर क्यों? उसमें हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लेटेस्ट एप्स भी है सर। मुझे ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर कुछ समझ में नहीं आता प्लीज। सर आप यू समझ जाएंगे सर। मुझे चाहिए नहीं। सर यू डोंट अंडरस्टैंड सर, उसकी मार्केट वैल्यू 55,000 रुपीज है सर। इतना महंगा कंप्यूटर? मैंने इसलिए अपने बेटे को मना कर दिया। 55,000, इतने पैसे में पहले घर बनता था। जी सर, पर हम आपसे 55,000 नहीं मांग रहे सर। We would only want you to pay 5,000, sir. मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों भाई? नहीं नहीं सर, मेहरबानी कैसी? वो इत्तेफाक से ये हमारा first ever computer था सर, और
और आप इत्तेफाक से हमारे फर्स्ट एवर क्लाइंट हैं सर। सो द कंपनी वांट्स टू कीप दिस कंप्यूटर इन द आर्काइव सर, दैट्स व्हाई। आई डोंट बिलीव यू। नो, रुको, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। Congratulations, sir. Sit down, sit down. Thank you, sir. नई चीज आखिर नई ही होती है, घर में शोभा ले आती है और जिंदगी में भी। सही पकड़े हैं आप। अब सरजी की सरजी जाने, हम तो बहुत खुश हैं। ये लीजिए सर, मैंने सारे लेटेस्ट एप्स और सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लिए। और वो हिंदी में लिखने वाला सॉफ्टवेयर, I mostly write in Hindi। जी सर, वो भी कर रहा हूँ। आपकी एक फोटो मिलेगी। क्यों? हिंदी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए फोटो की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं नहीं सर, एक फेसबुक अकाउंट खोलना था आपके लिए। फेसबुक अकाउंट? जी सर, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मुझे मालूम है ये फेसबुक क्या है, फेक न्यूज का बुक है। जितना रिलीजन ने लोगों को डिवाइड किया है, उतना ही ये सोशल मीडिया कर रहा है। अब तो ये मोबाइल पर भी आ गया, लोग फोन पर से आंख नहीं हटाते। चार दोस्त क्या मिलते हैं, आपस में बात नहीं करते, फोन पे लगे रहते हैं। इसलिए मैं मोबाइल भी नहीं रखता। हम तो रखता हूँ, घर पे बातचीत करने के लिए बड़ा सुविधा रहता है। और वो यूट्यूब वो यूट्यूब का अकाउंट भी डाल दीजिएगा। पुराना प्लेयर में घिसा पिटा रिकॉर्ड सुनते रहते हैं, जब देखो यूट्यूब में नया गाना सुनेंगे ना तो खुश रहे। अब तुम चुप भी रहोगे? अरे चुप रखने के लिए सरकार ही बहुत है, हम तो आपसे मन की बात करूंगा। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कितने अरमा है, किस सेहरा में कौन रखता है हजारों का हिसाब। 25 मार्च यानी 4 दिनों में। चलिए हिंदी सॉफ्टवेयर डाउनलोड। अबे पैंथर, अपने स्कूल का प्रिंसिपल शिव कुमार पंत, ओ इज ऑन फेसबुक। अपना पैंथर फेसबुक पे? तू कब से इतना टेक सेवी हो गया? जरूर किसका प्लान हो। मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ भाई। अरे भाई, ही ऑलरेडी एक्सेप्टेड माइन। वैसे भी एक अरसा हो गया उनसे। हाँ यार, सुना है आजकल अकेले रहते हैं। चलेगा मिलने? तो जानता तक नहीं लोगों को। सर ये सारी आपकी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट है सर। मुझे क्या करने लोगों को? सर दे नो यू सर, ये सारे आपको जानते ही शायद। देर ऑल फ्रॉम अ स्कूल कॉल्ड सेंट स्टीफन स्कूल सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वहाँ के। सेंट स्टीफन स्कूल के? जी सर। यू मीन दे आर माय स्टूडेंट्स और व्हाट? योर स्टूडेंट्स? हाँ, आई वाज प्रिंसिपल इन द स्कूल, बट आई कांट रिकॉग्नाइज एनीवन ऑफ देम। सर
बड़े हो गए होंगे। पर इनको कैसे पता चला? ये चक्कर क्या है? ये सॉफ्टवेयर क्या है? सर दैट्स द ब्यूटी सर, फेसबुक की वही ब्यूटी है, वो कॉमन फ्रेंड्स ढूंढ के वो पॉप हो जाता है फ्रेंड रिक्वेस्ट में। एंड दे लव यू सर, देखिए कितने सारे मैसेजेस भेजे बिना बुलाए, बिना बुलाए सर। दैट्स द पावर ऑफ फेसबुक। सो सर, कैन आई एक्सेप्ट देम ऑल? दे लव यू सर। हां चलो करते हैं, लेट्स डू इट। आई विल जस्ट एक्सेप्ट देम ऑल। एंड दीस आर योर मैसेजेस सर। मैंने मैं नहीं पढ़ू तो बात क्यों? That's between you and your students. पर अब मैं आ ही गया तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। एक मिनट। Yes, it's a webcam. एक बार मैंने इसे लगा दिया ना, then California will just be one click and one video call away. You mean I can talk to Rishabh? Not only talk sir, आप उन्हें देख भी पाएंगे। Yeah. Jeez. On the screen. Jeez. You mean I can see my grandson? Jee sir. Thank you, Amit. That's the least I can do, sir. खीर तो मैंने बना ली है, और क्या बनाऊं? गाजर का हलवा कि सूजी का हलवा? खीर काफी है। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए पूछ रहा था, क्या बनाऊं? शबाबा का फोन। Many many happy returns of the day. Thank you, Rishabh. Thank you. हाँ, एक सेकंड, हिने आपसे बात करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. Thank you, thank you. अरे, विशेषण जरा देखना, कौन आया भाई? डैड, ये शोर कैसा, कोई आया है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I will call you back. Okay okay fine, ठीक है। Happy birthday. तुम्हें कैसे पता चले मेरे स्टूडेंट? क्या सर, आप फेसबुक पे आ गए हो, हम आपके पास नहीं आ सकते? थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। नाइस हाउस। इसे अंदर ले जाओ और बना खिलाओ। आपने मुझे पहचाना? तुम राजी हमेशा क्लास में ले। जो तुम्हारे साथ होते तुम। और सर मुझे नहीं पहचाना? तुम नाम मत बोलना। बोलिए सर। तुम योगेश। We all miss you, sir. Happy birthday, sir. इसकी क्या जरूरत थी? सर अच्छे बर्थडे। थैंक यू अमित। कम कम मीट मी स्टूडेंट्स, कम। हाय गाइस, मीट अमित, सर्विस इंजीनियर, एक्सेल कंप्यूटर्स। ये नया कंप्यूटर नहीं लगा है। दीज आर ऑल माय स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकंड सर। अमित सर्विस इंजीनियर, ये एक्सेल कंप्यूटर्स का ओनर है, कोई सर्विस इंजीनियर नहीं। अपना अमित, अमित कुलकर्णी। अमित कुलकर्णी द हाई स्कूल टॉपर। एग्जैक्टली सर, इट्स ऑल हिज प्लान। अब कैसे पहचानता? तब तो तुम दुबले पतले थे, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो। सर मैं जो कुछ भी हूँ बस आप ही की वजह से। चलिए ये सारी बातें जाने दीजिए, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, केक काटना है, सेलिब्रेट करना है। उससे पहले सर हम सबकी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? सर हम चाहते हैं कि आप अपने पुराने वाले स्टाइल में आ जाए। सर वी वांट यू टू बिकम द पैंथर अगेन।
miss you. Number two. Say I love you. I love you. I love you. I love you. I also love you, Lynn. Hi. Dad, you'll have to excuse me. I'll have to go feed him. Come here, Ryan. Say tata, tatu. Tata, tata. Tata, tata, tatu. स्काइप पे कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्काइप पर सारी दूरी मिट गई। और आप कितना रेजिस्ट करते थे, मैं जब भी आपसे कहता था कि आपके लिए एक नया पीसी भेजता हूँ। ये हमारी जेनरेशन की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी को, हर किस्म के बदलाव को बहुत रेजिस्ट करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी ग्रोथ को रोकता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। This you should be thankful to Amit. Yes, I should be thankful to him. मगर एक बात बता, तुम उसको कैसे जानते हो?